आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनेक राजनीतिक दल और प्रत्याशी शराब का सहारा लेते हैं। चुनावों के आहट से पहले नशे के कारोबार में यकायक तेजी आ जाती है और शराब तस्करी का धंधा एकाएक तेज हो जाता है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए आईजी अमृत कलश के निर्देशानुसार जिला पुलिस को अवैध शराब के दोहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। मंगलवार को आदर्श नगर पुलिस थाने के बाहर लगाई गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पंजाब नंबर के एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो कैटल फीड के नीचे 748 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसका बाजार मूल्य 30 लाख रुपए से ज्यादा है।